देश भर में बारिश का कहर अभी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने भी कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में भी मानसून आने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते भी तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। इसके अलावा मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है। IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन 3 जुलाई को राज्य में जमकर बादल बरसे। वहीं इस साल मानसून छत्तीसगढ़ में देरी से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो कई दिनों तक झमाझम बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सुहावने मौसम की वजह से पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। हालांकि पिछले सप्ताह यहां लैंडस्लाइड, जल भराव जैसी समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से पर्यटकों ने आना बंद कर दिया था। शिमला, डलहौजी, चंबा, कुल्लू, मनाली और अटल टनल में पर्यटकों को भारी भीड़ लगी हुई है। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर बह रही है। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे और आसपास के इलाकों में रह रहे लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। साथ ही कई लोगों को रेस्क्यू भी कर दिया है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। सड़कें डूब गई हैं, घरों में पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। IMD के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल माही के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मौसम में बदलाव के कारण पर्यटक फिर से प्रदेश में उमड़ने लगे हैं। प्रदेश के शिमला, कुल्लू सहित कई स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून के देरी से आने के बाद 3 जुलाई को बादल जमकर बरसे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार, असम और दक्षिण के केरल राज्य सहित हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र सहित लगभग 15 राज्यों में जमकर बारिश होने की संभावना है। मानसून रविवार को देश भर में पहुंच गया। ये आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया। IMD के मुताबिक इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 45% ज़्यादा तो दक्षिण भारत में 46% कम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार और झारखंड समेत 20 राज्यों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राज्यों की बात करें तो बीते 24 घंटों में राजस्थान के झालावाड़ जिले में 7 इंच यानी कि 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे कई छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फरुखाबाद जिले में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। इससे पहले भारी बारिश के चलते गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुलिस के मुताबिक जामनगर में बीते 3 दिनों में 11 लोगों की बारिश से जुड़ी घटनाओं में मौत हो गई। राजस्थान के पूर्वी जिले झालावाड़ और बारा में रविवार को तेज बारिश हुई। इससे आहू, कालीसिंध समेत कई छोटी बड़ी बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही अगले 2 दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने और हल्के बादल छाने की संभावना है, जिससे गर्मी और उमस बढ़ेगी। मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सुल्तानपुर समेत अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच में गरज चमक के साथ भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ और बलिया में गरज और चमक के साथ मध्यम बारिश के लिए चेतावनी जारी है। अन्य प्रदेश भर के जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।